को टाइम नहीं देंगे, वो शॉर्ट कर लें, शॉर्ट बनाए बस, शॉर्ट बनाओ बस, उनको शॉर्ट बनाए, इंटरव्यू देगा अभी वो, उनको शॉर्ट बनाओ बस, अभी शॉर्ट बनाओ बस, तकसीम करता है वो डिवाइडर को 3-4 फुट लंबा है, जो मुझे बताया गया है कि ये उस पर चल रही थी शायद कंटेनर के साथ साथ, कंटेनर आहिस्ता ही चल रहा था 5 किलोमीटर पर आर में लोग चल रहे होते हैं साथ, तो ये उसके साथ साथ चल रही थी, तो इनका कहीं पैर फिसला है या क्या हुआ है, ये इन्होंने अपना बैलेंस लूज किया या डिवाइडर से नीचे गिर गई, कंटेनर आगे था लेकिन कंटेनर के ये बीच में थी ना, तो वो उसके अंदर आ गया इनका। हमार साहब आज ये भी कहे जा रहे थे गांच की जान से काफी आज अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था साफियों के साथ, क्योंकि उनको पहले भी 3-4 साफियों ने ये कहा कि वहां पे हमें वहां पे काफी ना गार्ड्स ने आता खंजा किया हमें और हमें कंटेनर से उतारने की कोशिश की है, और ये भी सुनने में आया कि जो हमारी सदफ जो साफी थी वो ऊपर चढ़ी है और वहां से किसी ने उनका हाथ जो झटका है वो उनका स्लिप हो गया, ऊपर नहीं थी ये नीचे ही, और कल या परसों उन्होंने कंटेनर पे 5-7 पे शॉट भी बनाया था, काफी खुश थी है, लेकिन आज ये तो कंटेनर तो ऐसा ऐसा चल रहा था, जो मुझे बताया गया कि जो डिवाइडर होता है दोनों जीटी रोड के दरमियान जो डिवाइडर है 3-4 फुट ऊंचा, उसके ऊपर शायद ये चल रही है और वहां इनका पैर फिसला है और ये फिर कंटेनर के उसके जो कंटेनर के बीच वाली जगह है उसके अंदर, ठीक है, हमारे भी काफी मुश्किल है, हमारे सब खबर चल रही है कि सामने वालों से क्या तरीके इंसाफ की तरफ से जो सदफ नईम साहब है उनके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं कि उनके बच्चों वगैरह के लिए? बिल्कुल किए जाएंगे, इसका ड्रॉप 500 खबर चल रही है कि खुदा ना खास्ता बिल्कुल जो है लॉन्ग मार्च फेल हो रहा था और इसलिए वो उसको खत्म करने के लिए आवाम की उसमें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये हादसा खुदा ना खास्ता कराया गया। इनमें कितनी सदाकत है सर? कोई सदाकत नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे ये बताएं कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के बाद वो काफी खुश थी, स्टेटस भी लगा रही थी, मीडिया के दोस्तों को भी वो बता रही थी कि आज अपनी जिंदगी का मैंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया, तो वो खान साहब से बड़ी मोहब्बत करती थी, तो खान साहब यहाँ पर खुद आएंगे? जी आएंगे। अच्छा, हमारे साथ ये बताइए साहब जो सुबह उनके जो घर वाले हैं उनसे मिले आएंगे, ठीक है। हमारे साहब ये बताइएगा कि सदफ नईम शहीद है या जाम बहक है आपकी तरफ से? मेरे ख्याल में शहीद है, क्योंकि वो अपनी फराइज की फराइज सर अंजाम दे रही थी और उन फराइज की उसके सर अंजाम देते हुए ही उनके साथ ये हादसा पेश आया, तो मैं तो उन्हें शहीद की। अच्छा जी, हमारे साहब आज शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि जनाब मैं बड़ा अफसरदा हूँ उनकी मौत के ऊपर और बड़ा एक लॉस हुआ है साफी का, आप शहबाज साहब के इस इकदाम को कैसे समझते हैं? जाहिर है सबको बहुत ज्यादा दुख और राज हुआ है, सबसे ज्यादा तो हमें हुआ है, क्योंकि पीटीआई की बीट उनके पास थी और बड़ा पीटीआई के लिए पैशनेट भी थी, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान। जरा बताइएगा क्या जो सदफ साहिबा इनकी शहादत का असर लॉन्ग मार्च पर पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ट्विटर के ऊपर एक नेगेटिव ट्रेंड बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा है। मैं इस मौके पे कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये मार्च है हमारी, ये तो एक बहुत बड़े इसका आप समझ लें कि हकीकी आज़ादी की तरफ मुल्क जो है वो बढ़ रहा है, आज हमारे लिए 12 सूट का दिन है और आज हमने इसीलिए एक मार्च को मौतल किया है, मौतल के लाल आज के दिन ये कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे कामोगी के ही मुकाम से जहाँ से आज ज्यादा इमरान रियाज खान अरशाद भट्टी वक्तन फवक्तन जोग दर जोग जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो मुल्क को छोड़ते जा रहे हैं, साफियों के लिए यहाँ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, हम सबके लिए आवाज उठाते हैं और हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आजादी चल रही है उसका बेसिक मकसद तो ये है कि जिस जो एक तो ये कि इंसानी हकूक का हर जगह तहफ़ किया जाए, पाकिस्तान के अंदर जब मर्जी जिस मर्जी को उठा के ले जाते हैं, जब मर्जी जिस मर्जी को का चैनल बंद कर देते हैं, जब मर्जी जिस मर्जी को ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, इस मुल्क के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि सहाफत और सहाफ़ियों की आवाज़ जो है उसको प्रोटेक्ट किया, ये कि फ़ोन आए उनके या उनको ऐसा महसूस हो अपने ही मुल्क में, इतनी उनको तंगी महसूस हो कि वो किसी पराए मुल्क में जाके रिफ्यूज लेनी पड़े, ये तो कोई आज़ाद मुल्क की निशानी है। सर, सदफ साहिबा शहीद हुई हैं,
तो हम चाहते हैं कि हमारी सहाफ़ी बरादरी की तरफ से हम तो कवर भी कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को, हम चाहते हैं कि भरपूर तरीके से उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। बिल्कुल ट्रिब्यूट दिया जाएगा। मैंने आपको कल बताया ना कि इमरान खान साहब तो कल यहाँ पर जाएंगे और वो भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो उनकी लगन थी मेरे, क्योंकि घर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी तो वो चैनल 5 की तरफ से तशरीफ लाती थी, तो मैं तो उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और जितनी मेहनत और लगन ये करती थी वो मैं समझता हूँ कि और सहाफ़ी बरादरियों के अंदर कोई खातून इतनी मेहनत और लगन नहीं करती। और अगर ये देखें ना कि वो शायद इसी लगन और इसी पैशन की वजह से वो कंटेनर जो था वो उसके साथ साथ वो पतले से डिवाइडर के ऊपर, जिसकी मेरे ख्याल है 4 इंच से ज़्यादा की चौड़ाई नहीं होगी, और खतरा भी था कि और दो वो कंटेनर आहिस्ता चल रहा था लेकिन अगर बंदा गिर जाए तो 4 फुट की ऊंचाई तो है। क्या कैफियत थी ऊपर कंटेनर के जब ये हादसा हुआ, खान साहब और क़यादत ऊपर मौजूद थी? खान साहब तो फौरन नीचे आ गए, कंटेनर को जैसे रोका और ये पता लगा तो लोगों को कैसे पता चला? हम नीचे बैठे थे कंटेनर के अंदर, तो ऊपर से किसी ने आवाज़ दी और कंटेनर रुका और उन्होंने कहा कि नीचे कोई शख्स आ गया है कंटेनर के, तो खान साहब खुद भी नीचे आए, कंटेनर का दरवाजा खोला और खुद उन्होंने अपनी निगरानी में फिर रेस्क्यू। सर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जाने से उनकी फैमिली के लिए कोई फाइनेंशियल स्टेप उठाया जाएगा? जी उठाया जाएगा, वो कल खान साहब खुद उसका। अच्छा, मान लीजिए मेरी बात सुनिएगा, जब आपने मुशर शरीफ के लिए जो है यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया, सर हमारी बहन बहुत ज़्यादा मेहनती थी और आप इसकी तो उनके नाम से पंजाब हुकूमत जो है वो इस तरह का कोई शाहाना या बिल्कुल होना चाहिए और ये बड़ी अच्छी तजवीज है और मैं आगे इसको फॉरवर्ड करूँगा। जी, हमारे साथ एक चीज़ हो रही है, जो मेन स्ट्रीम के चैनल हैं उनको तो चैनल की तरफ काफी सपोर्ट होती है, लेकिन यूट्यूबर्स हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के स्ट्रीमिंग करते हैं उनके लिए कुछ स्टेप उठाया गया कि नहीं? सॉरी, ऐसा मेरा क्वेश्चन ये, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनको तो पीछे चैनल्स की जो हक हेल्प होती है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं जो अपना मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं और माइक पकड़ते हैं और अपनी जान की बाजी लगाए बगैर जो है प्रोटेस्ट की कवरेज करते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा स्टेप उठाया गया? क्योंकि बाद में अरेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा ये मामला हो जाते हैं। नहीं देखिए, जब आप ये जो इस आज़ादी मार्च के और जिस तरह ये कौम मोबाइल निकली है, आज़ादी मार्च से आगे मोबाइल तो नहीं गई है, उसका मेन मकसद ये है कि आप चाहे सहाफ़ी हो, किसी चैनल से आप मुंसलिक हो, या आप ब्लॉगर हो या आप यूट्यूब के ऊपर भी ब्लॉगर हो, आपके जो है बुनियादी इंसानी हकूक और आपकी आवाज़ है उसके तहफ़ के ऊपर कोई सफलता नहीं होना चाहिए, और यही हमारी सारी स्ट्रगल है, यही हमारी सारी हकीकी आज़ादी की मार्च है। ये तो नहीं ना कि अगर मैं चंद लोगों की मर्जी की बात ना करूँ तो ना मेरी जिंदगी की, ना मेरी आवाज़ की, ना मेरी नौकरी की, ना मेरी आज़ादी की कोई भी गारंटी नहीं है। मुझे मुल्क भी छोड़ना पड़ सकता है, मुझे अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है, मुझे मेरी आवाज़ को, मुझे मेरी नौकरी से जा सकता हूँ, तो ये तो किसी आज़ाद मुल्क की निशानी तो नहीं है। हमें ठीक है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म अपनी जगह, लेकिन आज़ादी के सहाफत और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करिए। रेल में नहीं है, मुझे भी रेल में नहीं है, मैं तो यहाँ से सीधा भी कर एक बजे जनाद कपड़े चेंज किए मैंने और कल आएंगे। क्या मीडिया के लिए कोई ऐसा कंटेनर बनाया जाएगा, क्योंकि अफसोस आप वाकया पेश आ गया है तो दोबारा आपका लॉन्ग मार्च शुरू होता है, तो भी इस तरह की हिकमत अमली बनाई जाएगी कि जिस तरह खान साहब का खवातीन का अलहदा कंटेनर है, इसी तरह एक कंटेनर जो है वो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे दें? ये तो आपकी कवरेज के लिए कर रही है, ये आपकी ही तशहीर है, तो इसके लिए कोई कुछ इकदाम उठाएंगे आप? बिल्कुल, वैसे तो DSNG हमारे साथ साथ मुख्तलिफ चल भी रही होती हैं और मुख्तलिफ जहाँ पे खान साहब के कैंप्स हैं उनके साथ मीडिया के लिए अलहदा कंटेनर्स लगाए जाते हैं, और तरतीब वाइज क्योंकि सारे सहाफ़ियों की जाहिर है कोशिश होती है कि जिस कंटेनर पे खान साहब होते हैं वो भी उसी कंटेनर पे जाके सामने आमने सामने खान साहब का इंटरव्यू करें, जाहिर एक नेचुरल होना भी चाहिए।